हेलो दोस्तों, स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम लोग उठ चुके हैं नए दिन की शुरुआत के साथ और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं तो पूरा नहा धो के तैयार हूँ, रेडी हूँ कि आज का देखते हैं आज हम क्या प्लान बनाते हैं। अभी फिर मैंने वही अपने लैपटॉप पे काम किया, कुछ मेरा काम पेंडिंग था, मतलब बच्चों के लिए कुछ टेस्ट पेपर बनाने थे अभी, तो वो सब कम्प्लीट किया है और अब चलते हैं। इन दोनों से पहले मिलता हूँ पिंकी सुभाष से कि क्या प्लान है आज का, देखते हैं ये लोग क्या क्या कर रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं इन लोगों। ये रही ये दोनों, ये क्या कर रही है? बिस्तर लगा रही है। अच्छा, लवली का? लवली तू क्या कर रही है भाई? लवली मैडम आराम फरमा रही है ना लोगों? चलो आराम फरमा रही है। सुभाष भाई तो अभी भी सो के नहीं उठे। अबे उठ जा भाई, 9 बज चुके हैं, उठ के रेडी हो। पता नहीं कब तक सोएगा। ये सुभाष हमारे घर का और ये लवली, ये दोनों सोने में माहिर है, एक एक बेड पकड़ के लटके हुए हैं। आपको पता है मेरा ब्लॉग बैक कैमरा से बनता है? नहीं, फ्रंट से बनता है ब्लॉग। मैं ना 6 बजे उठा था अभी, ये भी बता दो। सुभाष कह रहा है सुबह 6 बजे उठा था, ये मैं बताना आपको भूल चुका हूँ कि सुबह 6 बजे जो है हम लोग आज गए थे क्या करने सुभाष? कुश तोड़ने। कुशी अमावस्या स्टार्ट हो रही है, मतलब अपने पितरों वगैरह को जो है कुश से पानी वगैरह देना पड़ता है, कुछ है उसके पीछे भी संस्कार वगैरह, तो इसलिए सुबह गए थे कुश उखाड़ने के लिए और थोड़ा बहुत लेके आए हुए हम लोग वो। और पिंकी फिर आज का क्या प्लान है? क्यों छुपा रही मालूम है? अलमारी देखा होते हो, खोल के दिखा पिंकी पहले क्या है अलमारी में, जल्दी खोल। नहीं दिखाऊंगी, पहले खोल। मैं बता रहा हूँ इस अलमारी में अभी राज छुपा हुआ है, कचरे का खान। क्या कर रहे हो माँ? मैं चाय पत्ती लेके बैठ हूँ काटने के लिए, पर सोच रही हूँ यही चाय पत्ती था जो पहले 50 साल के लाते थे। अच्छा, यही चाय पत्ती आजकल इतना महंगा हो गया तो पाव पर 120 रुपए के दिया है। तो भाई महंगाई बढ़ गई है माँ। इतना भी क्या महंगाई पड़ता है? क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? इतना भी नहीं महंगाई बढ़ना चाहिए ना। पहले थे हम लोग कोई सामान 100 रुपए के जाते थे लेने के लिए तो झोला भर के ले आते थे, आजकल वो थैली में भी नहीं आता है। माँ मिल जाता है, ऐसा नहीं है, सामान सामान पे डिपेंड करता है। ला के दिखाओ मेरे कैसे लाता 500 रुपए में देती हूँ। अच्छा, तुम लोग लेके आते कैसे, कितना लेके आता है पिंकी? अच्छा, मम्मी चैलेंज दे रहा, ये बात काम है? अच्छा, तो भाई मम्मी का चैलेंज तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने बोल दिया आज 500-500 रुपए हम तीनों को देंगी। तीनों को दोगे ना? 500-500 रुपए तीनों के देंगे। तो उसमें क्या करना है हमें? सामान लाना है ज्यादा? कितना कौन सामान लेके आएगा 500 में? तो और क्या, भर के नहीं ले आएंगे पिंकी बता? 500 में कितना कुछ? मम्मी का कहना है पहले आते थे खाली 100 रुपए में सामान, आजकल तो नहीं मिलेंगे। मम्मी को फिर दिखाते यही कि 500 में क्या सब आ सकता है। चलो 500-500 रुपए हमारे निकालो, फिर चलते हैं सामान लेने के लिए। मम्मी से पहले 500 रुपए निकलवाते हैं। दे रहे हो ना 500-500 करके तीनों के बटुआ खोल के लाओ। भाई मम्मी सीरियस हो गई है पूरी। पिंकी ये 500 तू भी ले। लाओ मेरे 500 रुपए मिल गए मुझे। 500 रुपया तू भी ले, देखती हूँ कौन कितना सामान ले गया था। अच्छा सुना था भैया, सामान किसका ज्यादा होगा ये डिसाइड कैसे करेंगे? हाँ ये भी बात है क्योंकि कितने रुपए में क्या सामान आता है। काम करते हैं सामान का ना, वजन करते हैं, तो जिसके सामान का वजन ज्यादा आएगा वो जीतेगा। और ऐसा करते हैं ना, हमारे पास एक वेइंग मशीन है, कुछ दिन पहले पिंकी ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, उसी पे तोलेंगे उसको, आदमी तोलने वाली मशीन है, सामान तोलेंगे उस पे। कोई नहीं, सामान देखेंगे, तो जिसका भी सामान में ज्यादा वजन हुआ उसको मम्मी 500 रुपए गिफ्ट देगी। दोगे मां? हां देंगे, फिर करेंगे पार्टी। हां तो उसका जोधर को पकड़ पहले, वो सुबसवा कहां है। तो सुभाष को पहले इससे प्लान समझाते हैं कि क्या कैसे क्या करना है, नहीं तो इसको कुछ मालूम ना चले कहीं। सुभाष को बता तो दे। अरे पहले मैं रेडी हो जाते ना बाहर, कहीं मेरे को फैंस मिल गए। हाँ बड़े फैंस हो रहे तेरे, बहुत है। सुभाष भाई घर के फैन तो साफ होने रहे, कचरा पड़ा है ना तो साफ कर देना, छुट्टी है तेरी तो। हाँ अच्छा मैं कह रहा हूँ सुन, मम्मी का आज प्लान क्या है, 500 रुपए मम्मी हम तीनों को दे रही है और सामान लेके आना है। मम्मी का कहना है कि पहले सामान ज्यादा मिलते थे और आजकल कम मिलता है, तो वैसे नहीं चलेगा भाई, तो वजन होगा सामान, क्वांटिटी नहीं वजन होगा। अब वजन जिसका ज्यादा निकलेगा सामान का वो नहीं, काम की चीज चाहिए। हाँ ये चीज तो मैं, घर का सामान चाहिए कोई भी हो सकता है, घर का सामान और भारी दोनों चाहिए, कुछ भी हो काम की चीज होनी चाहिए, घर की काम तो होना चाहिए। अरे टेंशन मत लो, अभी लाके दिखा, ये 500 रुपया मैं तेरे अभी देता हूँ, समझ गया? चल भाई चल निकलते हैं फिर, तो तैयार होते हैं और चलते हैं फिर।
2 seconds later. निकल रहा हूँ यहाँ से सामान लेने के लिए. अब देखता हूँ कि मैं कितने सामान खरीदता हूँ. इन लोगों का तो नहीं पता कि क्या लेने वाले हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हैवी से हैवी, जितना हैवी हो सके, भारी हो सके वो लूंगा. तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं. भैया कह रहे सस्ता मिलेगा यहाँ सबसे ज्यादा, क्योंकि मॉल है, डिस्काउंट है, नया ओपन हुआ है तो काफी डिस्काउंट दे रहे हैं. देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता है. लेने कौन आया पहले बताओ, ये भैया के लिए कि आपके लिए? भैया के लिए ना. और ले ऐसे ये नहीं गाड़ी, ये गाड़ी 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 तो ऐसे ले ले जैसे पता नहीं 500 में पूरा ठेला भर जाएगा. भाई अपनी मर्जी से लेना, हमें नहीं बताना, हम अपना सोच के बैठे हैं. सब अपना अपना जीतना चाह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं. वैसे एक चीज बता देता हूँ, देखो शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ जीतना मेरे को ही है, क्योंकि सोचो 7000 वाला, 7000 वाला जूता जब 280 में ला सकता हूँ. इतना सारा सामान देखते तो मजा ही आ रहा है मेरे को. ये भैया नमक दूध रोटी जोड़ने पे आ गए हैं. आज से पहले लग रहा है कभी ग्रोसरी नहीं लिया भैया ने. नहीं सही में नहीं लिया भाई. लिया है पर इतने बड़े मेरे पे लेकिन नजर मत रख कितना लिया है. भैया वैसे स्मार्ट लग रहे हो आज. स्मार्ट लग रहे हो, इतने भी नहीं हो जितना खुश हो गए हो. क्या हो गया? और ये 5 आइटम हुआ है गिन के अभी. तो ये टॉय वॉय देखोगे तो ये तो है ही 810 रुपए का सामान. आगे चलो. भारी लेना है, भारी. आप भूल जाते हो बार बार ये बात. क्या लेना है? भारी भारी. कोई आइडिया तो दो, हम क्यों हेल्प करें. अच्छा चलो फिर मेरा रिकॉर्डिंग बंद करो, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज वाला कुछ लेता हूँ, बाद में बताऊंगा क्या है. ना भारी है पिंकी? बहुत भारी लग रहा है, मैं ही जीत जाऊंगी. उठ नीरा, 10 किलो भी इस लॉन्डे से. तो सुभाष भाई कितनी ईंटें ले रहा है तू यहाँ पे? यहाँ देख रहा हूँ 8 रुपए का हिसाब चलता है वैसे नॉर्मल. तो हमारे सुभाष ने कर दिया है कमाल का, हम लोगों को डाल दिया है किसमें पिंकी? धर्म संकट में. भाई हमारे तो दिमाग में नहीं आता ऐसा आइडिया, पता नहीं कहाँ से ये सोच लिया है. इसने खरीद लिया ईंटें मोड़ के नहीं, और घर भी बन रहा है हमारा, वहाँ काम आ जाएगी. काम की चीज भी है. और लेकिन मम्मी कहीं इसको ना बढ़िया से पीटे ना मम्मी. अब वो मम्मी डिसाइड, मम्मी डिसाइड करेगी सामान में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा. चलते हैं. वैसे तो इसने खरीद लिया है मेरे हिसाब से भी लगाएंगे 8 रुपए के हिसाब से, कितना इसने लिया है 500 का हिसाब घर चल के. तो आ चुके हैं वापस वहीं पर जहाँ से चैलेंज की शुरुआत हुई थी, और अपना अपना सामान लेकर के. भाई मेरा तो अपना एक फिक्स झोला हो चुका है, अब देखते हैं किसका झोला कितना भारी है. कंपटीशन से देखो हम लोग तो वैसे आउट है, सुभाष से हम लोग पीछे ही है. अब कंपटीशन ये है कि मेरे और पिंकी में कौन जीता है. मुझे नहीं आइडिया कि पिंकी ने जो है पिंकी का वजन कितना बना, तो देखते हैं. और फिर मम्मी हमारी जज बनी हुई है, कुर्सी लगा के पहले ही जज बैठ चुकी है. तो जज साहिबा कौन जीता है आपको फैसला अभी लेना है. और वेइंग मशीन अपना सज चुका है जहाँ पर अभी वेट होगा सारा. तो पहले सबसे पहले नंबर है मेरा, मैं अपना वजन सामान का करूंगा. और क्या क्या सामान आया ये भी मम्मी को दिखाना है खोल करके. ये है 5 किलो 850 ग्राम. यार बड़ा कम है यार, 500 रुपए में 5 किलो, 100 रुपए पर केजी का सामान पड़ा. नहीं नहीं बहुत बोल रहे थे मम्मी को, मम्मी की महंगाई का जमाना. 500 के तो क्या ये 100 रुपए किलो आ गया. भाई अब पिंकी तू अपना चलो भाई, 10 किलो का आटा है, इसको क्या ही तोलना है, 10 किलो का ही होगा, ये तोल लेते हैं. इतना हल्का है मशीन ही नहीं चली. खराब हो गई क्या? इस पे पहले आप अपना वजन करके. अच्छा मशीन भी ऐसा है, पहले अपना बस. 1 किलो 200 ग्राम. हाँ ये 10 तो 11 किलो 200 ग्राम. तो दीदी कैसा लग रहा है फर्स्ट आके? इस समय आप फर्स्ट हो, क्योंकि मैंने अपना नहीं बता रखा ना. मैं अपना बताता हूँ, सोच रही हूँ अगले 500 मम्मी किसको मिलने वाले पता है? जो सबसे फर्स्ट आएगा. मैं क्या लाया हूँ मम्मी इसका मेरा पता नहीं, तू बताएगा जब ना. बताओ क्या लाया हूँ. क्या किया मैं बताता हूँ आपको. हम लोग जब आ रहे थे ना वहाँ से रास्ते में, तो हम लोग को कह रहा है सरप्राइज करके हमें ले गया वो ईंट वाली दुकान पे, और ईंटा खरीद लिया है 500 रुपए का. देखो आपने कहा था घर का सामान, तो घर जब तक नहीं है तो घर का सामान का क्या जरूरत. घर बनाने का सामान ले लो. ये तो बहुत अच्छी बात है. तो मेरे को 8 रुपए 20 पैसे के हिसाब से एक ईंट पड़ी है,
तो 500 रुपए में 60 ईंट आई है। सामान में गिनो, 60 सामान आपने कहा था हमें। अब वो 60 ईंटें जो है घर की सामान, तो ये भी तो घर की सामान आता है। तो आप जो 60 ईंटें है, 60 ईंटों का 3.5 किलो के हिसाब से लगाओ, 200 किलो प्लस। 200 किलो है बंदा, 500 रुपए में 200 किलो सामान ले लिया। हाँ, डॉक्टर साहब से फर्स्ट मैं तो सबसे लास्ट आया हूँ, इनाम मिलना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, इनाम किसका? सुहास का। इनाम सुहास का है, फर्स्ट ये है, सेकंड है ये है, इसके मैंने 100 रुपया दे देंगे। मेरे तेरा थर्ड तक तेरा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मैं मुंह देखूंगा। मैं कोई नहीं, मैं आपको बोलूं भाई यार, किसी को 500 रुपए बिल मैं लेके घुसा हूँ, 15 रुपए बल्कि मेरे एक्स्ट्रा लग चुके हैं। और किस चीज का? मैंने जेब से मिलाया वो पन्नी का, उसका जो मैं देरी जोला नहीं ले गया, तो उन्होंने कहा कैरी बैग का आपको देना पड़ेगा 15 रुपए उसका। पर आपके साथ वो भी स्कैम हो गया, देखो कैरी बैग पे एडवर्टाइजमेंट है, जबकि पता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट होता है ना तो कोई भी आपसे उसके चार्ज नहीं कर सकता। अब वो चार्ज में दे गया, इस पे केस करना भैया। आईपीसी तो आप जानते हो ना सारे, इसमें एडवर्टाइजमेंट है, हमसे पैसा नहीं ले सकता। केस होगा, गलत भाई से पंगा ले लिया भैया, आपको इनाम वहाँ से मिल जाएगा लाखों रुपए। हाँ अभी अरे 15 बिस्किट होते हैं, पैकेट में 14 निकला तो उसने केस कर दिया था। अच्छा काम किया तेरा, 500 रुपया इनाम, 120 ईंट आ जाएगी अब 60 और तीन की। तूने सेकंड आया है ना, तू सेकंड आया है तो तेरे मैंने 200 रुपया इनाम। अरे वाह, मम्मी रा कुछ कर दो, आपने 10 रुपए चल ते क्या तू कितना निकला ये 50। चलो सगुन, तो आज के लिए हम लोग अपना व्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो आज का जो चैलेंज था वो हमने पूरा किया, और चैलेंज के विनर हमारे सुभाष भाई रहे, और पिंकी तो पिंकी आई है सेकंड, और सबसे लास्ट मैं आया हूँ। मुझे कंसोलेशन बस वही प्राइज मिला, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्राइज? आप हमें ब्लर क्यों कर रहे हो सारा? फोकस मैं ले रहा हूँ, मैं क्या कहीं तो फोकस ले लूँ, विनर तो बनानी मैं, तो दैट्स वाई। चलो कोई बात नहीं, तो विनर तो सुभाष ही रहा। तो आज का व्लॉग हम लोग यही रखते हैं, अगर आपको सही लगा हो तो इसको लाइक करना, और लवली क्या चाहिए तेरे को यार, बस कर इसको, बिल चाहिए।